लायक साड़ी पहने थी उसी का पल्लू फाड़ करके उसी में चावल भी बांध दी। और सुदामा जी से कहा ले जाना, इसे ठाकुर को दे देना। भगवान भाव के भूखे हैं भाई, इनको 56 प्रकार का भोग लगाओ लेकिन भाव नहीं है तो उनको ग्राह ही नहीं है। और अगर आपका भाव है तो एक बूंद जल और एक तुलसी के पत्ते पर ये बिक जाने वाले ठाकुर आपके समक्ष बैठे हैं, ये बिक जाते हैं महाराज। इन्होंने चिल्ला करके कहा पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति, और बिक जाते हैं राम। ये बिकने वाले ठाकुर हैं भक्त की श्रद्धा पर। उस चावल के पोटली को लेकर सुदामा जी चलते हैं द्वारिका की तरफ। कथाकारों ने तो बहुत कुछ बताया है, आपको बहुत कुछ सुना होगा, लेकिन भागवत में ऐसा कोई प्रपंच लिखा नहीं है, ध्यान देना। भागवत के सुदामा जो बोल रहा हूं अक्षरशा लाइनों का सारांश दे रहा हूं, इसमें अलग से कुछ नहीं। भागवत के सुदामा भगवान से मिलने के लिए उस चावल के पोटली को लेकर और भागवत स्मरण करते हुए वो चल रहे हैं द्वारिका की तरफ, चल रहे हैं द्वारिका की तरफ। आइए हम लोग भी भगवान के साथ, श्री सुदामा जी के साथ भगवान की द्वारिका में प्रविष्ट हो। आइए सब लोग संकीर्तन भजन करते हुए भगवत स्मरण करते हुए। हे गोपाल राधे कृष्ण गोविंद गोविंद, गोपाल राधे Yeah.
श्री सुदामा जी द्वारिका पहुंच गए और जब द्वारिका में पहुंचे तो देखा बड़ा सा गेट लगा है और उस पर लिखा है सुस्वागतम। ध्यान देना शब्दों पर, लिखा है सुस्वागतम। सुदामा जी की आंखें भर गई। एक गोविंद एक त्रिलोकीनाथ, ये आपका ऐसा पवित्र दरवाजा जिस पर हम जैसे गरीबों के लिए भी स्वागत लिखा है। आजकल तो जरा सा किसी को कुछ हो जाए, अगर जरा सा संपन्न हुए तो दरवाजे पर लिखकर टांग देंगे नो एडमिशन, प्रवेश सर्वथा निषेध, अंदर आना मना है। अगर ऐसे शब्द दरवाजे पर लिखे होंगे तो उसको आज यहां से जाकर के पोत देना और वहां लिख देना सुस्वागतम। शास्त्र कहते हैं कि लक्ष्मी सबके घर जाती है और जहां लिखा वो देखती है अंदर आना मना है, वो धीरे धीरे दरिद्र होने लगता है। अब अगर आपको ये मंजूर हो तो फिर कोई बात नहीं, लेकिन मैं तो आपके कल्याण के लिए कहता हूं उसे पोत दो और उस पर लिख दो सुस्वागतम। कथाकारों ने कथाओं में बताया है कि सुदामा जी द्वारिका में गए तो द्वारपाल से मिले, द्वारपाल ने जाकर भगवान को बताया, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं यह भी भागवत में नहीं लिखा है। अरे भगवान से मिलने के लिए अगर द्वारपाल भक्त को भगवान से मिलाएगा तो फिर भगवत्ता कहां रह गई, बताओ मुझे। सुदामा को द्वारपाल नहीं मिला है, कौन मिला है? मैं भागवत का श्लोक बोल रहा हूं और आप लोग जरा गौर कीजिए कि भागवत जी क्या कह रही है। सुदामा जी को किसने देखा द्वारिका में? पहले जब सुदामा जी दरवाजे पर आए, गेट पर, तम विलोक्य अच्युतो दूरात् प्रिया पर्यंकमास्थिता। प्रिया पर्यंक माने भगवान रुक्मणी के महल में उनके पर्यंक पर बैठे थे और क्या देखा? तम विलोक्य अच्युतो दूरात्, भगवान का भक्त जब चला तो भगवान नहीं जानते हैं। भगवान देखा कि मेरा सुदा मेरे दरवाजे पर आ गया है तो भागवत में लिखा है साहसोत्थाय। भगवान देख नहीं रहे महाराज, देख करके भगे सुदामा जी को रिसीव करने के लिए, पकड़ने के लिए। और जब भगवान उठे तो जितने आमात्र मंत्री मित्र पुरोहित परिजन थे वे सब घबरा गए। यहां इंद्र ब्रह्मा भी मिलने आए, भगवान अपने आसन से नहीं उठे। ये संसार का कौन सौभाग्यशाली व्यक्ति आ गया है जिसको रिसीव करने के लिए भगवान जाकर के दरवाजे पर खड़े हैं। ये इतने दयालु है कन्हैया जिनके शरण में आप बैठे हैं। और सुदामा जी को पकड़ करके अपने अंकों में लपटा लिया और महाराज प्रेम के अश्रु बिंदु प्रवर्षित हो रहे। प्रीतो व्यमुंतद बिंदुन नेत्राभ्याम पुष्करे छड़ा। भगवान रो दिए। उसके बाद सुदामा जी को बैठा करके उनका पाद प्रक्षालन करके उनके चरणों को धो करके उनको धूप दीप नैवेद्य अलंकार अन्न वस्त्र और तांबूल पान वान खिला करके ठाट से जब बैठे तो सुदामा जी से गोविंद ने कहा, कन्हैया ये कौन है? विवाह तो हो गया है ना? तो रुक्मणी जी ने प्रणाम किया, एक घंटा सुदामा जी आशीर्वाद दिए। तब तक सत्यभामा जी ने किया, मित्रविंदा ने, कालिंदी ने, नग्नजिति ने, सत्या ने, भद्रा ने, लक्ष्मणा ने, 8 घंटे आशीर्वाद देते देते उनका गला बैठ गया। कहा भाई ये 16,100 की लाइन देखा, कहा ये कौन है? कहा ये सब मेरी पत्नी है। तो सुदामा जी ने कहा ऐसा करो गोविंद कि तुम ही मेरा पांव छू लो, इकट्ठा आशीर्वाद दे दो, इतने लोगों को आशीर्वाद तुम्हें खड़े खड़े नहीं दे पाऊंगा। भगवान ने श्री सुदामा जी का चरण वंदन किया और सुदामा ने आशीर्वचन दिया। एक बात और आपसे निवेदन कर दूं,
सुदामा जी जब भगवान के पास बैठे तो लोग कहते हैं सुदामा जी भगवान को कुछ देना नहीं चाहते थे। भगवान ने पूछा वो कुछ लाए हो मेरी भाभी ने दिया है तो सुदामा जी ने मना कर दिया। क्यों मना कर दिया? कहा ये राजा महाराजा है, अभी ये चावल निकाल करके मैं दूंगा और ये कहते हैं मेरे मित्र हैं तो इनकी बड़ी बेइज्जती होगी कि इनके मित्र सब इतने गरीब हैं। आपका कोई रिश्तेदार बहुत बड़ा आदमी हो, जहां पर आपको 1000 रुपए किलो की बर्फी दी जाती हो पानी पीने के लिए, उनके बच्चों को आप 2-5 रुपए का कुछ दे सकते हैं उपहार? नहीं दे सकते। सुदामा जी ने कहा मेरे पास नहीं है, लेकिन वो सर्वात्मा सर्वदर्शना, उन्होंने 2 मुट्ठी चावल निकाल करके खाया और उस निर्धन सुदामा को 2 लोक का मालिक बना दिया। परीक्षित जी 2 लोक का मालिक बना दिया। विलक्षणता देखिए, लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र इसलिए रह गए कि जब भगवान श्री कृष्ण से मित्रता थी तो इन्होंने चोरी से चना खा लिया था। यह भागवत में तो नहीं है, मैं संतों के भाव बता रहा हूं आपको कि चना भगवान को नहीं खिलाए थे। वो चना सुदामा जी ने जानते हो क्यों भगवान को नहीं खिलाया? मित्र का कर्तव्य क्या होता है? वो चना जो गुरुवाणी ने दिया था उस चने पर किसी ऋषि का श्राप था कि जो इसे खा लेगा वो महान दरिद्रता भोगेगा, और ये बात गुरु जी ने सुदामा जी को बताई थी। कृष्ण जी नहीं जानते थे, गुरुवाणी को पता नहीं था, उन्होंने वही चना दे दिया। तो सुदामा जी इस चक्कर में पड़े कि ये चना जो रखा है जिसके बारे में गुरु बताए हैं ये वही चना तो नहीं है। लेकिन मित्र तुम भूख बर्दाश्त कर लो और गरीबी मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरे रहते कन्हैया मैं तुम्हें गरीब नहीं होने दूंगा। इसलिए उस चने को सुदामा जी ने गोविंद को नहीं दिया था, बाकी उनकी भावना नहीं दूसरी। और यह मित्र का कर्तव्य भी है। मित्रता में बहुत कुछ साख पर दांव पर लगा देना पड़ता है, और जहां स्वार्थ हो वहां मित्रता टिकती नहीं है। खैर, ये संसार की एक ऐसी मित्रता है जो युगों युगों तक याद की जाएगी, जब तक भारत में गंगा और यमुना का प्रवाह और भागवत की कथाएं होती रहेंगी तब तक। आपसे निवेदन कर दूं, सुदामा जी एक रात केवल द्वारिका में रहे और दूसरे दिन उठे भगवान से विदा मांगकर चले गए, और भगवान ने भेज भी दिया, एक कपड़ा भी नहीं दिया, एक कपड़ा पहना करके नहीं भेजा कि भी बाहर निकलेंगे तो लोग कहेंगे कि कपड़ा उपड़ा पाए ही जा रहे हैं। जिस कपड़े में आए थे उसी वस्त्र में सुदामा जी को लौट दिया कि दुनिया ये न कहे कि गोविंद ने दिया। अरे मित्र की मदद करना है हृदय से तो मदद ऐसी कर दो कि उसको पता ही ना लगे कि मेरे मित्र ने क्या किया है, और जब कहने पर आपने किया तो बचा क्या, कहने पर तो कोई दूसरा भी कर देगा। और जो मित्र के दुख में दुखी ना हो, जेन मित्र दुख हो ही दुखारी, उनको देखने से पाप लगता है, जो मित्र के दुख में दुखी ना हो जाए उसके सुख में सुखी ना हो। सुदामा जी लौट आए द्वारिका से, इनकी पत्नी बड़ा इनका इज्जत सत्कार करने के लिए खड़ी है, पूछा ये क्या? कहा ये सब कन्हैया की कृपा है। सुदामा जी बिगड़ गए, कहा सुशीला अब तुम सोने की बढ़िया रोटी बनाओ, उसी की दाल बनाओ सोना चांदी की और खाओ, मुझे ये धन नहीं चाहिए गोविंद, मैं क्या करूंगा लेकर के, मुझे ये संपत्ति नहीं चाहिए, ये किसी का गुलाम नहीं हुई, तुम खाओ मैं चला भजन करने के लिए। भगवान दर्शन देकर के सुदामा और उनके पत्नी को कृतार्थ करते हैं और कहा यह धन मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें घमंड नहीं आएगा। यहां संसार के लोग जरा सा पाए नहीं कि तुरंत भूल गए,
और मैं बराबर कहता हूं ये दुनिया की सारी संपत्ति राम जी की है, ये सारी संपत्ति कन्हैया की है दुनिया की, और इनका एक चौकीदार यहां बैठ करके रखवाली भी नहीं करता है, ध्यान देना, इतना धन है इनके पास, एक चौकीदार भी इन्होंने भारत में नहीं रखा है दुनिया में कि हमारा धन रखा हो, और जो जाता है वो ऐसे करके चला जाता है कि देख लो मैं कुछ लेकर नहीं जा रहा हूं, कितनी बड़ी कृपा है। तो भगवान ने कहा ये संपत्ति मैंने दी है सुदामा, ये तुमको अभिमान नहीं आने देगी, भगवत कृपा मान करके सुदामा जी उस धन से प्रजा का उपयोग करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, और इस प्रकार से सुदामा पर भगवान ने कृपा की। बोली भक्तवत्सल भगवान की, और सुदामा जी अंतर बल से एक चीज कहते हैं, ये ठाकुर तस्मात् न्युपायेन मना कृष्णानिवेशये, हे ठाकुर हे मेरे आराध्य आपके चरण शरण में हमारी मति लगी रहे ऐसा आशीर्वचन दीजिए, ये भगवत कृपा मांग रहे हैं। आइए सब लोग थोड़ा सा आनंद लेते हैं भजनों का, भगवान पर भगवान की कृपा इस जीव पर बनी रहे, कवियों ने उत्प्रेक्षाएं दी है अपने अपने भाव में मार्गदर्शन किया है, गोविंद आपकी कृपा सदैव बरसती है। बोली भक्त वत्सल भगवान की, श्री द्वारिकाधीश भगवान की जय। तुम्हारी याद आती है
साल हो गए हैं। कुरुक्षेत्र में जिसको हम स्मृत पंचक क्षेत्र कहते हैं, उसमें सूर्य ग्रहण के अवसर पर बहुत बड़ा मेला लगा। पूरे भारत वर्ष की प्रजा वहां इकट्ठी हुई। बड़े बड़े महात्मा, राजा महाराजा मेला देखने आए। भगवान श्री कृष्ण भी मेला देखने गए अपनी 16,108 रानियों को, बच्चों को लेकर। उस मेले में वसुदेव जी हैं, देवकी हैं, नंद हैं, यशोदा हैं, गोपियां हैं, सारे लोग हैं। वसुदेव जी ने एक अद्भुत दृश्य देखा कि बड़े बड़े महात्मा, विश्वामित्र, असित कंड, दुर्वासा, ऐसे लोग सब वहां भगवान कृष्ण की स्तुति कर रहे हैं। वसुदेव जी के मन में यह शंका पैदा हो गई कि हमारा लड़का भगवान तो नहीं है, आखिर सब इसके चरणों पर क्यों प्रणाम करते हैं। हाँ, बात तो आ गई। और भगवान श्री कृष्ण की रानियां सब कहती थी गोविंद से, बार बार कहा करती थी, गोविंद ये राधा कौन है? दुनिया में राधा कृष्ण का ही नाम जपा जाता है और विवाह होता है सबसे पहला रुक्मिणी जी के साथ। ये राधा कौन है? ये सवाल पूछ पूछ करके उन भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने परेशान कर दिया था। भगवान जब मेले में गए तो अपनी 16,108 रानियों से कहा कि राधा रानी का शिविर लगा है, चली जाओ राधा से मिल लो, देखो कौन है। अरे रुक्मिणी, एक गिलास जरा दूध लेते जाना। रुक्मिणी जी थोड़ा गर्म दूध लेकर के गई राधा रानी के अंडाल में, तो पहली सखी बैठी थी, रुक्मिणी जी ने उसको प्रणाम किया, कहा कौन हो भाई तुम, राधा हो? कहा नहीं नहीं, महारानी जी अंदर है, मैं तो उनकी दासी हूं। जितना वो दासी सुंदर थी, उतना सुंदर इनमें से 16,108 में कोई नहीं था। जब एक गेट पर गई, दूसरे गेट पर गई, तीसरे गेट पर गई, हर गेट पर उससे सुंदर। अंत में जब राधा रानी के पास पहुंची तो रुक्मिणी जी ने कहा बहन ये दूध पी लीजिए। राधा जी की आंख भर गई। राधा जी ने कहा रुक्मिणी जी से, ये भागवत पे नहीं, ये संतों का मत बोल रहा हूं इस समय। रुक्मिणी, जब से गोविंद चले गए ना, तब से मैंने दूध खाना तो छोड़ दे, मैंने दूध का नाम लेना बंद कर दिया। तो कहा नहीं, गोविंद ने कहा था दूध पी लेंगे। कहा गोविंद ने कहा था? कहा हा, राधा रानी ने दूध पी लिया। अब ये जब सब लौट करके आई, यहां देखा भगवान द्वारिकाधीश पांडाल में लेटे हैं और उनके पैरों में बड़े बड़े छाले पड़े हैं जलने के। रुक्मिणी ने पूछा, महाराज इतनी प्रचंड गर्मी में आप क्यों निकल गए? आपके छाले पड़ गए हैं, आपका पांव जल गया है। भगवान ने कहा मैं तो कहीं नहीं गया। तो कहा ये पांव जला क्यों? कहा पांव जला इसलिए रुक्मिणी, लगता है कि राधा रानी को आपने गर्म दूध पिलाया है, मेरा मेरा चरण उनके हृदय में रखा है, यही संबंध हमारा उनसे है, देख लो आज, इसलिए पांव जल गए। इस संसार में हर चीज का समाधान है। मैंने कहा कोई आदमी जहर अगर दे दिया खाने में तो एक ही आदमी मरेगा, लेकिन जब कान में जहर डाला जाता है तो उससे कई लोग मरने लगते हैं। इसलिए जीवन में शंकाग्रस्त जीवन न जिए, मुक्त जीवन जीने का प्रयास करें। राधा रानी को देखा और यहीं पर देवकी ने जाकर यशोदा जी को धन्यवाद दिया है। वसुदेव जी ने वहां एक धर्म यज्ञ किया, उसमें बड़े बड़े महात्मा परमहंस आए। भगवान ने गोपियों को यहीं पर ज्ञान दिया, गोपियों ने अपना देहोत्सर्ग कर दिया।
वह भगवान का अनंत ज्ञान पा करके सब मुक्त हो गई महाराज। इधर क्या हुआ, जब मेला समाप्त हो गया सब लोग लौट करके आए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता को प्रणाम किया। जब पिता को प्रणाम किया तो वसुदेव जी ने कहा कि मैंने तो मेले में बहुत कुछ सुना है कन्हैया, ये बताओ हम तुम्हारे पिता हैं कि तुम हमारे पिता हो, तुम जगत पिता हो। भगवान कुछ नहीं बोली। देवकी जी को जब प्रणाम किया तो देवकी जी ने गोविंद को पकड़ लिया और रोने लगी। कहा कन्हैया मैंने सुना है मेले में कि तूने गुरु के मरे हुए पुत्र को जिंदा करके ला करके दक्षिणा में दिया है। कन्हैया मेरे छह छह पुत्रों को कंस ने मार डाला है, मेरे भी सारे बच्चों को जिंदा करके दो। भगवान देवकी के मृत छह पुत्रों को जीवित करके लाए। अब छह वो और सातवें बलराम आठवें भगवान कृष्ण आज अपने आठों बेटों को महारानी देवकी जी अपनी आंखों से देख रही है। भगवान ने अपनी मां को शांत किया और वसुदेव जी के पास आ गए। नारद जी आ गए। वसुदेव जी महाराज आजकल बहुत चुप हैं। नारद जी ने उनसे पूछा महाराज ये बताओ आपके मन में इस प्रकार से आप क्यों उदास हैं? तो कहा महाराज मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि मेरा बेटा है क्या। तो वसुदेव जी को नारद जी ने समझाया है और ये कथा भगवती एकादश स्कंद में प्रविष्ट होती है। आज भगवान द्वारिका में बैठे अपने घर में अपने नाती पोतों के साथ और घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं आप लोग भी ये सीख ले लीजिए भगवान से। भगवान ने अपने बच्चों अपने नाती पोतों से और अपने बच्चों से कहा कि संसार में चाहे जितनी बड़ी गलती कर देना काम चल सकता है, लेकिन किसी संत विद्वान के पीछे मत पड़ना। ये मैं नहीं कहता हूं, भागवत जी कहते हैं, भगवान कहते हैं। बेटा कभी संत विद्वानों का अपमान मत करना। जब भगवान ये बात कहते तो घर में बच्चे और नाती ठहाका मार करके हंसते, क्योंकि कुछ घर ऐसे होते हैं, माताएं बहनें यहां बैठी होंगी कि जब वो सत्संग के लिए चलती होंगी तो पूरा घर विरोध करता होगा। क्या जाओगे महाराज, वो आपके नहीं है, वो ये सब राम भगत के बाधक, ये सब भक्ति के बाधा है महाराज। और भगवत भक्ति में जो विरोध करे वो अपना चाहे जितना हितैषी हो उसको त्याग देना चाहिए। तज्यौ पिता प्रहलाद विभीषण भाई भरत तज्यौ महतारी। भरत ने अपनी मां को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया और प्रहलाद जी ने अपने बाप को छोड़ दिया। जो भगवत भक्ति में बाधा डाले वो आपका हो ही नहीं सकता है। भगवान ने कहा बेटा सुंदर रूप का होना, युवा अवस्था का होना, ज्यादा संपत्ति का होना और सत्ता मिल जाना, इन चारों चीज में घमंड भरा रहता है। और कभी संत विद्वानों को मत परेशान करना। क्यों? क्योंकि उनके हृदय में मैं रहता हूं। साधवो हृदयम मह्यम, उनके हृदय में मैं हूं। भगवान समझा रहे हैं और द्वारिका में विश्वामित्र अष्टकंड दुर्वासा भृगु अंगिरा कश्यप वामदेव अत्रि वशिष्ठ और नारद ये महात्मा द्वारिका में ही विराजमान। भगवान कृष्ण जब द्वारिका में रहते हैं तो बहुत सारे महात्मा आकर के उनके यहां रहते हैं। भगवान चले गए तो भगवान के बच्चों ने कहा कि आज हम लोग संत का ही अपमान करेंगे।
अब देखते हैं कि संत अपमान करने से क्या होता है। एक जामवती का लड़का था, उसका नाम था सांब। सांब जामवती सुता। एक लड़का था सांब। सांब को क्या किया? सांब को भगवान कृष्ण के पुत्रों ने बनाया, उसको पहना दिया साड़ी, बढ़िया साड़ी ब्लाउज पहना दिया और उसके पेट में कपड़ा लगा दिया, मतलब उसको गर्भवती स्त्री बना दिया, रास्ते में खड़ा कर दिया। और इधर से विश्वामित्र असित कंड दुर्वासा अंगिरा कश्यप जी भगवान कृष्ण से विदा लेकर के द्वारिका से निकल रहे थे घूमने के लिए। और रास्ते में गए तो कृष्ण पुत्रों ने घेर लिया संतों को और कहा, महाराज ये देखो गर्भिणी स्त्री आप लोगों के इंतजार में से खड़ी है, महाराज बताओ इसके गर्भ में क्या है, क्या पैदा होगा, इसके गर्भ में क्या पैदा होगा। संतों ने कहा कि बेटा मजाक मत करो, मत करो मजाक बेटा, तुम लोग कृष्ण के पुत्र हो, इस तरह से मजाक करना ठीक नहीं। लेकिन वो नहीं मानी, कहा महाराज आपको ये बताना ही पड़ेगा कि इसके गर्भ में क्या है। दुर्वासा जी ने कहा इधर आओ हम बता रहे हैं, ये लोग नहीं बताएंगे। वो क्रोधी महात्मा, उन्होंने कहा इसके पैदा होगा मूसल जो तुम्हारे पूरे यदुवंश को समाप्त कर देगा खानदान को, जाओ। संत चले गए और मूसल प्रकट हो गया। ये सब भगवान से नहीं बताए, उग्रसेन से बता दिए। उग्रसेन ने उस मूसल को कुचवा करके फेंकवा दिया पानी में, जल में, समुद्र में। उसमें से बासी घासी बहेया डंडा सब पैदा हो गए। और इसी का एक बाण बनाने वाले ने इसका एक बाण भी बनाया, ये बाण आगे काम आएगा। यदुवंश को श्राप हो गया संत का, और संत अपमान करने से बड़ा नुकसान होता है। कर कल्याण अखिल कह हानि। संत जब आशीर्वाद देते हैं तो समाज को लगता है और श्राप देते हैं तो पूरी दुनिया को लगता है। इधर क्या हुआ, वसुदेव जी महाराज नारद जी के पास पहुंचे और कहा, महाराज मैं आपको ढूंढ रहा था, आप मेरे यहां चले। श्री वसुदेव जी और नारद जी इकट्ठा भए, तो कहा ये मनुष्य का शरीर क्या है? नारद जी ने कहा, वसुदेव जी ये जो सवाल आप हमसे कर रहे हैं इसको एक बार महाराज नव योगेश्वरों से महाराज जनक जी ने पूछा था। योगेश्वर नौ हैं, कवि हरि अंतरिक्ष प्रबुद्ध पिपलायन आविर्होत्र द्रुमिल चमस और करभाजन, ये नौ प्रकार से योगेश्वर है महाराज। जनक जी ने पूछा कि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनाम क्षणभंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। भैया दुर्लभो मानुषो देहो, बड़े गौर से सुनना आप। पहली बात तो ये मानव शरीर मिलना बड़ा मुश्किल है, और अगर मिल भी जाए तो ये क्षणभंगुर है महाराज, ये कब तक चलेगा इसकी गारंटी नहीं है। क्षण में क्या होता है ये भी पता नहीं है, और इस शरीर से परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो इसका कोई उपाय बता दीजिए। जनक जी ने सवाल किया है नो योगेश्वर से। सवई भगवता प्रोक्ता उपायात्मलब्धई
अंजा पुंसाम विदुषाम विधवी भगवतान्वितान। कहा बता रहे, इस आत्मा के कल्याण के लिए भगवान ने जो पहला उपदेश किया है उसे हम भागवत धर्म कहते हैं। भैया भगवान को प्राप्त अगर करना आप चाहते हैं तो भागवत धर्म का पालन करना। और भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? भागवत धर्म आरंभ होता है विश्वास से। भागवत धर्म का मध्य होता है संबंध से। और भागवत धर्म का अंत होता है समर्पण से। समर्पण परमात्मा के प्रति पहले पूरा विश्वास रखें। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं नौ प्रकार की भक्ति में है पची भक्ति। सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? प्रथम भगति सन तन करि संगा। प्रथम भगति सन परमात्मा पर विश्वास। एक काम करना, भागवत धर्म में आपको आपकी भाषा बता दे रहा हूं, आपसे जिंदगी में अच्छा हो तो और बुरा हो दोनों काम भगवान को सौंप देना, यही है भागवत धर्म। कायेन वाचा, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेत। भैया आपके शरीर से, आपके वाणी से, आपके बुद्धि से, आपके मन से, आपके इंद्रियों के द्वारा जितना काम संसार में हो जाए इसे भगवान को सौंप दो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा। लेकिन ये आदमी क्या करता है, अच्छा हो गया तो कहता है देखो महाराज ये मैंने किया है, और गलत हो जाता है तो कहता है कि ये भगवान को मंजूर नहीं था। यहां ऐसे भी लोग भक्ति करते होंगे, हनुमान जी के मंदिर में जाते होंगे, अंबा जी के मंदिर में जाते होंगे, तो कहेंगे माता जी अगर हमारा ये काम हो जाए तो हम 100-200 रुपए का प्रसाद आपको लाकर चढ़ाएंगे। अरे उनको शर्म लगनी चाहिए। जो जगत की अन्नपूर्णा है वो आपके 150 रुपए के लिए परेशान है, वो दुनिया में पता नहीं कहां काम आपका अटका है, जाकर कराए तो आप उसको प्रसाद चढ़ाएंगे? अरे वो प्रसाद ले जाकर के पहले रख दो, जानती है माता रानी की आपको क्या जरूरत है, उनसे बताने की जरूरत नहीं। इसे कहते हैं भागवत धर्म। भगवान पर भरोसा रखो, अपने आप पर भरोसा रखो, अपने कन्हैया पर भरोसा रखो, सब ठीक होगा। आइए भरोसे की बात। द्रौपदी जी जब परेशान हो गई तो भगवान साड़ी के रूप में भी पैदा हुई। ये लोग समझ नहीं पाए कि नारी बीच साड़ी है कि साड़ी बीच नारी है, कि नारी ही की साड़ी है कि साड़ी ही की नारी है। ये
आर्तक काल प्रायण है महाराज, ये रक्षा करते हैं। नवयोगीश्वरों ने महाराज जनक जी से कहा कि जनक जी इस संसार में भगवान की जो माया है, माया के तीन रूप है, एक महासरस्वती, एक महालक्ष्मी और एक महाकाली। सरस्वती के रूप में भगवान सृष्टि का सृजन करते हैं, लक्ष्मी के रूप में इस माया से पालन करते हैं और महाकाली के रूप में भगवान सृष्टि का संहार करते हैं उस माया से। नवयोगीश्वरों से जनक ने पूछा कि माया से छूटने का महाराज उपाय क्या है, तो कहा माया से छूटने का उपाय है परमात्मा से संबंध। परमात्मा का से संबंध उनका अहर्निश ध्यान, भगवान का नाम लेते रहना, भाव कुभाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। बस भगवान का नाम निकलना चाहिए, आपका मन लगे या न लगे ये जरूरी नहीं। भगवत चरणारविंद अनुरागी, भगवत भजन करते रहे। इस संसार में जब कोई विद्वान आदमी शंकर जी के मंदिर में जाता है तो बढ़िया लच्छेदार भाषा में संस्कृत बोलेगा, वो स्तोत्र जपेगा शंकर जी का बढ़िया से बढ़िया, और जब कोई मूर्ख आदमी जाएगा तो कहेगा जय शंकर, यही तो करता है। भगवान ये नहीं देखते हैं कि कोई मूर्ख आया है हमारे मंदिर में कि कोई विद्वान आया है, इससे उन्हें मतलब नहीं है। उनको मतलब है कि हमारी हमारे प्रति उसकी भावना कितनी पवित्र है। भगवान उस भाव को देखते हैं, मात्र भाव, भाव प्रधान होना चाहिए हमारा आपका। इधर देवताओं ने भगवान श्री नारायण को प्रणाम किया कृष्ण जी को, और कहा महाराज आपने कहा था मैं लीला का स्मरण करके चला आऊंगा, अब टाइम हो चुका है चलिए। और ये बात उद्धव को पता लग गई कि भगवान अपने लीला का समापन करके अब इस धराधाम से जाने वाले हैं, तो उद्धव जी आकर भगवान के पास बैठ गए और उद्धव जी ने गोविंद से सवाल किया। पहला सवाल, हे ठाकुर ये घोर कलयुग आ रहा है और कलयुग में लोगों की प्रवृत्तियां बड़ी विचित्र होंगी और आप देख भी रहे होंगे हो ही हैं। महाराज इस कलयुग में आपसे जल्दी मिलने का साधन क्या है? उद्धव बोले महाराज आपको कैसे प्राप्त किया जा सकता है? तो भगवान ने मुस्कुरा करके कहा उसका तो एक मंत्र, संसार से वैराग्य और मेरे प्रति अनुराग। ध्यान देना, भगवान को प्राप्त करने की ये पहली सीढ़ी, संसार से वैराग्य लेकिन मेरे प्रति अनुराग, पहला सोपान है महाराज, पहला सोपान। जैसे वैराग्य घर में लोगों को आता है, वैराग्य तीन प्रकार का होता है, एक है मरकट वैराग्य, मरकट माने होता है बंदर, घर में जरा सी बात हुई बस कहेंगे अब हमें घर में नहीं रहना है, हम घर छोड़ करके चले जाएंगे और जैसे एक घंटा बीता फिर वही डंडा खा रहे हैं, ये मरकट वैराग्य, थोड़ी देर के लिए आया तो लेकिन टिका नहीं। एक दूसरा वैराग्य है शमशान वैराग्य, घाट पर गए किसी की अंत्येष्टि हो रही है, किसी का 20 साल 22 साल 25 साल का लड़का मर गया अंत्येष्टि हो रही है तो कहे संसार ही मरने वाला है, राम 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 राम, और जैसे घर पर आए तैसे लड़ गए 10 रुपए में, ये शमशान वैराग्य वही होता है। एक होता है सच्चा वैराग्य, जब वो वैराग्य आपके मन में आ जाएगा तो आपका जीवन कृतार्थ हो जाएगा, वो टिकेगा, तब आपको भगवान में और समाज में अंतर दिखाई देगा। क्या होता है, घर में इतना बड़ा बवाल कलह रहती है और उसी में लोग लाठी खाते हैं, उसी में पड़े रहते हैं, आप देखते हैं ये प्रवृत्ति है उनकी।
हाँ उद्धव मुझे प्राप्त करने में कहा साधन है कलयुग में, कहा क्या, कहा सत्संग भाई, मैं सत्संग से जल्दी प्राप्त होता हूं जीव को, और जिसके जीवन में सत्संग है उसे मैं मिल जाता हूं। आदरणीय भक्तों, आपने तो सिद्ध कर दिया कि आपके हृदय में सत्संग का और भक्ति का बीज पड़ा है, अगर ये बीज न पड़ा होता तो आप यहां कतई ना आते। आपने यहां आकर ये स्पष्ट सिद्ध कर दिया है कि आप भगवत भक्त हैं, नो डाउट, कोई शक नहीं आता। लेकिन जिसके जीवन में सत्संग नहीं होता है उसका तो जीवन भी हराम हो जाता है। एक बार एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे, एक महात्मा जी उसी बिल्डिंग की तरफ से जा रहे थे, तो पत्नी ने कहा पति से कि तुम मुझे ज्यादा तंग करोगे तो मैं वृंदावन में जा करके गोपी बन जाऊंगी, और पति ने कहा कि अगर तुम मुझे ज्यादा तंग करोगी तो मैं अयोध्या में जाकर साधु हो जाऊंगा। महात्मा जी उधर से जा रहे थे हंसे बड़े तेज से, और वो घूम पड़े और उसको बुलाया, कहा इधर आओ बेटा, अरे तुम अपने आप में गोपी का आचरण ले आओ और ये अपने आप में महात्मा का आचरण ले आए तो ये झगड़ा ही खत्म हो जाए, जब विचार आपके दोनों के अच्छे हैं तो उसको उतार लो जिंदगी में। आगे और बढ़े तो एक पति पत्नी और झगड़ा कर रहे थे, वो पत्नी महाराज बड़े तेज तेज गाली अपने पति को दे रही थी, महात्मा ने सुना तो कान बंद कर लिया लेकिन चले गए। कहा ये बताओ बेटी किसको गाली दे रही हूं, कहा महाराज ये मेरे पति ही नहीं गाली दे रही थी। कहा क्यों गाली दे रही हूं, कहा महाराज मैं क्या बताऊं, इन्होंने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद करके, लाइफ बर्बाद करके मेरी रख दी। महात्मा जी समझ नहीं पाए, कहा आखिर हुआ क्या है, कहा महाराज जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी ये मुझे मिलते थे तो कहते थे चंद्रमुखी कहां जा रही है, मैं इनके प्यार में पागल हो गई महाराज, इनसे विवाह कर लिया, और जब इनके घर आई तब ये हमसे कहते हैं तू चंद्रमुखी नहीं तू तो सूर्यमुखी है। अब महाराज मेरे दो तीन बच्चे भी पैदा हो गए, अब ये कहते हैं न तू चंद्रमुखी है न तू सूर्यमुखी है, तू तो ज्वालामुखी बन करके विस्फोट कर रही है। पत्नी ने कहा तो पति ने कहा महाराज जब मैं कॉलेज में मिलता था ये मुझे बुलाती थी तो कहती थी प्राणनाथ कहां जा रहे हो। महाराज हमने सोचा कि कोई संस्कारी आदमी होगा, और जब मैं विवाह कर लिया इसको घर लाया तो ये हमको नाथ कहने लगी, और अगर आज एक कप चाय पीना हो महाराज तो मैं अनाथ हो गया, अपने आप बनाऊ तो पीऊ नहीं बैठा रहूं, बताओ मैं क्या। ये क्या है, ये उनके जीवन में है जिनके जीवन में सत्संग नहीं है, जो ये नहीं समझते हैं बड़ा और छोटा अच्छा और बुरा, जिनको विचार नहीं, जिनके जीवन में सत्संग नहीं उनका जीवन नरक में जाता है महाराज, इसलिए सत्संग करते रहना। और सत्संग जब संतों का होगा, विद्वानों का होगा, भगवत भक्तों का होगा तो आगे बढ़ा देगा। और कार्या कारण अवच्छिन्न भाव, सोचने से कुछ नहीं होता है। हिंदुस्तान की में जितनी सासू हैं, ये चाहती हैं कि हमारी पतोहू बिल्कुल सीता जी जैसी मिले, सासू चाहती है कि पतोहू बिल्कुल सीता जी जैसी हो, वो अपना चाहे ताड़ुके हुए, और हर पतोहू चाहती है कि हमारी सासू बिल्कुल कौशल्या जैसी हो, और अपना चाहे सुभनखा ही हो इधर उधर देख रही। अरे तुम अपने आप में सीता का आचरण लो, तुम्हारी सास तुम्हारे लिए कौशल्या न हो जाए तो देश का एक कथाकार व्यासपीठ से कह रहा है कि अगर सुधर न जाए तो बताओ। तुम अपने आप में आचरण लाओ, कौशल्या का आचरण लाओ, सीता का आचरण लाओ, संसार तुम्हारे लिए ठीक हो जाए। आइए थोड़ा भगवान नाम जप करें, प्रपंच में फंस गया फिर चलता हूं। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय, जय राधा रमन हरि बोल, जय जय राधा रमन हरि बोल, जय राधा रमन हरि बोल, जय 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 राधा
कलिकाल में भगवान को प्राप्त करने का साधन है जिसका नाम है सत्संग। भगवान श्री कृष्ण ने कहा उद्धव, एक बार मेरे पूर्वज महाराज यदु घर से बाहर निकले तो देखा एक दरवाजे पर बड़ा मोटा महात्मा लेटा था। तो महाराज यदु ने कहा बहुत मोटे हो आप, तो उन्होंने हंस करके कहा हां मोटा हो गया हूं, मेरे जीवन में 24 गुरु हैं, मैंने 24 गुरु किया है इसलिए मोटा हो गया हूं, और मेरा नाम है दत्तात्रेय। पृथ्वी वायुराकाश अग्निश्चंद्रमा रवि कपूतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजा मधुहा हरिणो मीना पिंगला कुरूर्वका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभ सुपेश कृत। मैंने अपने जीवन में सबसे पहला गुरु माना पृथ्वी को। अब बताओ भैया ये पृथ्वी कितनी बड़ी क्षमाशील है, इतना खुदाई करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाते हो, रेलवे लाइन बिछाते हो, टॉयलेट बनवाते हो और इस पर हवन भी करते हो, ये हमारे कितने दुर्गुणों को बर्दाश्त करती हैं लेकिन हमें माफ कर देती है। तो संत को पृथ्वी के तरह क्षमाशील होना चाहिए। मैंने गुरु बनाया दूसरा वायु को। वायु चलती है लेकिन दिखाई नहीं देती। संत को समाज का कल्याण ऐसे करते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु इसलिए बनाया कि आकाश है तो इतना ऊंचा लेकिन सेवा करता है 3.5 हाथ वालों का, नीचे वालों का। ईश्वर संसार में आपको पद दे दे, प्रतिष्ठा दे दे, धन दे दे, तो अपने से छोटे लोगों का भी ख्याल रखना, उनको भूल मत जाना। मैंने जल को गुरु बनाया। जल का नैसर्गिक गुण है शीतलता। चाहे जितना पानी खौला करके रख दो भैया लेकिन अंत में वो ठंडा हो ही जाएगा। ऐसे मैंने देखा कि संसार के दुखों से न तप करके संत को सौरस की तरह, जल की तरह शीतल रहना चाहिए। और विदेह नगर में एक नर्तकी रहती थी वेश्या, मैंने उसको अपना गुरु बनाया। उससे मैंने यह सीखा कि संसार में आशा नहीं करनी चाहिए। आशा संसार में किसकी हो, तो संतों ने कहा आशायक राम जी की दूजी आशा छोड़ दे, विधि का विधान जान लाभ हानि सही, सीता राम सीता राम सीता राम गई, सीता राम सीता सीता राम गई, चाही विधि राखे रखे वैसे रहो। संसार में आशा मत करना। आशा शब्द का अर्थ होता है, आशा माने होता है दुख। बड़ी उम्मीद जिससे रखोगे वो जरूर
इधर उधर कुछ ना कुछ करेगा। अरे छोड़ो महाराज, यहां तो संसार में अगर हृदय से प्यार हो, हृदय में आपकी भावना किसी के प्रति अच्छी हो, लेकिन मौका आता है तो वो भी उल्टा से करने लगता है। यहां तो लोग किसी को समझना नहीं चाहते। इस संसार में आशा किस पर रखोगे? एक बार एक मां थी, उनके एक बेटा था, एक ही बेटा था। मां की उम्र 20-22 साल की थी, उनके पति की मृत्यु हो गई। वो बेचारी वैधव्य जीवन यापन करके और अपने बच्चे का लालन पालन करने के लिए उस मां ने दूसरे के घरों में बिल्डिंगों में बर्तन तक मांजा। बच्चा बड़ा हो गया, मां ने सोचा कि अब बेटा बड़ा हो गया है, घर में विवाह कर ले, बहू आ जाए तो हम छुट्टी पा जाएं। बेटे का विवाह भी हो गया और घर में बहू भी आ गई, लेकिन माताजी को फायदा क्या मिला कि अभी तक उनको दो आदमी का भोजन बनाना पड़ता था, अब तीन का बनाना पड़ने लगा। बहू आई तो, लेकिन वो इतनी मॉडर्न थी कि वो 8 बजे तक सो करके उठने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन मां ने अपने बेटे से कहा, भैया अपने बहू से कह दो थोड़ा काम किया करे। तो बेचारे डरते बहुत थे, कुछ बोल नहीं पाते थे पत्नी को, और ऐसा भी जीवन जो जीता है उसका जीवन जीना हराम हो जाता है, मैं कहने में संकोच नहीं करूंगा। उन्होंने अपनी मां से कहा, एक काम करो, सुबह आप झाड़ू लगाने आना तो हम कहेंगे हम लगाएंगे, आप कहना हम लगाएंगे, दोनों लोग झगड़ा कर लेंगे, तो वो कहेगी कोई ना लगाओ, लाओ हम लगा ले, ऐसे दो काम कहेगी झगड़ा कर लिया जाएगा, तो ये धीरे धीरे करना शुरू कर देगी। मां सुबह 4 बजे झाड़ू लेकर के गई, अब वो लगाने लगी तो बेटे ने कहा हम लगाएंगे, मां ने कहा हम, दोनों मां बेटे लड़े। उठ करके आई, उसके खुले बाल महाराज, और कहा क्या एक खोपड़ी पर हल्ला मचा रखे हो? तो मां ने कहा ये बताओ, जब तक मां घर में ठीक है बेटा झाड़ू लगाए अच्छा लगता है? और बेटे ने कहा यह बताओ, अगर मां बुढ़ी हो गई है बेटा घर बाहर ले तो कोई बुराई है? वो हंसी, कहा वाह क्या बात है, आप लोग झगड़ा कर रहे हैं झाड़ू लगाने के लिए? कहा हां, बहुत अच्छा जजमेंट उसने दिया, कहा इसमें लड़ने की बात नहीं है, काम कीजिए। कही क्या? कहा दोनों लोग लड़ना नहीं, एक दिन ये बाहर लीन करो, एक दिन तू बाहर लीन करो। हंसो मत, कलेरे पर हाथ रख करके सोचो, ये राष्ट्र कहां जा रहा है, ये भावनाएं कहां प्रवाहित हैं, इसके बारे में चिंतन करो। मैंने आपको हंसाने के लिए दृष्टांत नहीं कहा, मैं दृष्टांत नहीं बोलता हूं, कथा बोलता हूं, जितने दिन बोलता हूं, लेकिन इस पर चिंतन करो कि अगर तुम नहीं कर रहे हो तो कल तुम्हारा भी होने वाला नहीं है, ध्यान देना। इसलिए संसार में मां बाप एक ऐसे पहलू है कि अपने मन अंदर से, हृदय से, आत्मा से जो हो सके उनके प्रति अच्छी सोच, अच्छी भावना ये रखो, और जितना हो सके उनके लिए किया भी जाए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। आइए महाराज, इस संसार में गुरु कौन है? जिससे आपको कुछ सीखने को मिल जाए वो आपका गुरु है। मां भी गुरु, मां गुरु है, पहली गुरु है मां, पिता गुरु है, और समाज के जितने शिक्षक पढ़ाई लिखाई वो गुरु, जिन्होंने दीक्षा दिया वो गुरु। इसलिए हे महाराज उद्धव जी,